Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. आयशा, बेटा कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास। आयशा की दादी ने खरीदारों के बीच में दो चोटियां बांधे दौड़ती भागती अपनी 6 साला पोती को आवाज देते हुए कहा। लेकिन आयशा कहाँ रुकने वाली थी? उसे स्टोर की दूसरी आइल में अपनी मन पसंद चॉकलेट का डब्बा नजर आ गया था। कमान से निकले हुए तीर की तरह वो सीधा जाकर निशाने पर रुकी। उसने नाक की सीध में जाकर डब्बा उठाया और कान की आड़ में वापस आकर ट्रॉली में डाल दिया। दादी जान, क्या हम ये ले सकते हैं? आयशा ने मासूमियत से पूछा। जुबैदा बीबी ने डब्बे को पलटकर प्राइस टैग देखा और फिर शफकत से आयशा के सर पर हाथ रखकर कहा, नहीं मेरी गुड़िया, आज नहीं, फिर किसी दिन ज़रूर दिला दूंगी, ठीक है? आयशा अपनी उम्र से ज़्यादा साबिरा थी। ये सुनकर उसने बिल्कुल ज़िद नहीं की, चुपचाप डब्बा उठाया और शेल्फ पर वापस रख दिया। 4 साल पहले एक बदकिस्मत ट्रैफिक हादसे में आयशा के वालदैन गुजर गए थे। उस वक्त आयशा सिर्फ 2 साल की थी। तब से उसकी सारी जिम्मेदारी उसके दादा दादी पर आ गई थी। घर के कफील और इकलौते वारिस के चले जाने के बाद आमदनी का वाहिद जरिया सिद्दीकी साहब की पेंशन थी। इस महंगाई के दौर में उस मामूली रकम में गुजारा करना मुश्किल था। राशन, बिल, दवाइयाँ, स्कूल की फीस और दीगर अखराजात पूरे करने के लिए उन्हें अक्सर दिल पर पत्थर रखकर आयशा की छोटी छोटी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज करना पड़ता था। आयशा का बुझा हुआ चेहरा देखकर उसकी दादी ने कहा, आज तुम्हारे दादा की सालगिरह है ना, क्यों ना हम उनके लिए कुछ ख़ास लेकर चलें? ये सुनकर आयशा खिलखिला उठी और बेकरी की जानिब बढ़ी। शेल्फ पर लाइन से लजीज पेस्ट्रीज, कुकीज़ और क्रोसॉन्स रखे हुए थे, साथ चॉकलेट, वैनिला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड केक्स भी। मगर आयशा की चुलबुली नज़रें पाइनएप्पल केक ढूंढ रही थीं, जो सबसे ऊपर रखा हुआ था। साथ खड़े एक खुश मिजाज नौजवान ने आयशा को अपने नन्हे हाथों से केक तक पहुँचने की कोशिश करते हुए देखा। आगे बढ़कर उसने एहतियात के साथ केक उठाया और आयशा को दे दिया। आयशा ने मुस्कुराकर केक लिया और अपनी दादी के पास चली गई। सौदा लेने के बाद जब वो दोनों कैश काउंटर पर पहुंची, तो उनका बिल अंदाजे से थोड़ा ज़्यादा बन गया था। केक के अलावा बाकी तमाम चीज़ें ज़रूरी थीं और किफ़ायत शुमारी उनकी मजबूरी, लिहाजा जुबैदा बीबी ने केक ड्रॉप करने का फैसला करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मगर हम ये केक नहीं ले सकते, आप इसे हटा दें। कैशियर ने केक उठाकर साइड पर रख दिया। दादी जान प्लीज़ केक ले लेना, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, आयशा ने हसरत से केक की तरफ देखते हुए इसरार किया। आज केक लेने की गुंजाइश नहीं है बेटा, मैं अगली बार दिला दूंगी, जुबैदा बीबी ने उसे दिलासा देते हुए समझाया। आपने पिछली बार भी यही कहा था, नम आंखों के साथ आयशा लाइन से हटी और स्टोर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। वो नौजवान उसी लाइन में उनके पीछे खड़ा ये सारा माजरा देख रहा था। उनके जाने के बाद उसने केक खरीदा और फौरन आयशा को आवाज़ देकर रोका, ये लो गुड़िया, आपके दादा जान के लिए केक, एंड विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। केक देखकर आयशा की आंखें चमक उठीं, मगर उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो इजाज़त तलब करने के लिए अपनी दादी की तरफ देखने लगी। नहीं बेटा, आयशा तो ना समझ है, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये केक नहीं ले सकते, जुबैदा बीबी ने शर्मिंदा होकर कहा। इस छोटी बच्ची को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। एक दिन मैं इसी तरह अपनी अम्मी के साथ स्टोर आया था। अम्मी ने मुझसे एक वादा किया था, लेकिन हाथ तंग होने की वजह से वो अपना वादा पूरा नहीं कर सकी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी, फिर मुझे उदास देखकर
एक भले आदमी ने मुझे केक दिला दिया था। मैं नहीं जानता वो कौन थे, मगर उनका ये बेलौस रवैया, मेहरबानी और खुलूस मैं कभी नहीं भुला सका। आज मैं इस काबिल हूँ कि उनकी तरह मुस्कुराहटें बांट सकूँ। मुझे हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि मैं कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। अगर आप ये तोहफ़ा कबूल कर लेंगी तो मैं समझूंगा कि मैं उनकी की हुई नसीहत पर अमल करने में कामयाब हो गया। नौजवान के जज्बात की कदर करते हुए ज़ुबैदा बीवी ने कहा, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में और बरकत दे। एक काम करो बरखुरदार, मुझे एक पर्ची पर अपना नाम और पता लिख दो, हम तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। नौजवान ने दादी का कहा मानते हुए पर्ची लिखकर आयशा के हाथ में दे दी और चला गया। दादा जान, देखें हम आपके लिए क्या लाए हैं। घर में दाखिल होते ही आयशा ने चहकते हुए कहा, वाह भाई, आपको कैसे पता चला मुझे पाइनएप्पल केक पसंद है? आयशा के दादा ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, जिस तरह आप मेरा ख्याल रखते हैं वैसे ही मैं भी आपका ख्याल रखती हूँ। लाएं, मैं इस पर मोमबत्तियाँ लगा कर लाती हूँ, फिर हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आयशा ने डब्बा वापस लिया और दौड़कर बावर्ची खाने में गई। अपनी बेगम से मुखातिब होकर सिद्दीकी साहब ने कहा, जूबी, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये केक हमने नहीं लिया, एक नौजवान ने आयशा को तोहफा दिया है। पूरी कहानी सुनने के बाद सिद्दीकी साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इस दौर में अच्छे लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, और शायद यही वो लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। सौ आने सच कहा आपने। आपको पता है, उस बच्चे को देखकर मुझे हमारे आदिल और आपकी जवानी के दिन याद आ गए। मेरे इसरार करने पर उसने इस पर्ची पर अपना नाम और एड्रेस लिख कर दिया है। हम एक दिन ज़रूर उसके यहाँ चलेंगे। मैं कुछ अच्छा सा बना लूँगी, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये कहकर ज़ुबैदा बीबी ने सिद्दीकी साहब को वो पर्ची दी और बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए कहा, मैं ज़रा आशी को देख लूँ, कहीं वो खुद माचिस की डिबिया लेकर कारस्तानियाँ करने ना बैठ गई हो। सिद्दीकी साहब ने जब पर्ची को खोलकर देखा तो उस पर किसी का नाम या पता नहीं लिखा था, बल्कि एक नसीहत लिखी हुई थी जिसे पढ़कर उनका दिल भर आया। ये वही नसीहत थी जो आज से करीब 30 साल पहले सिद्दीकी साहब ने स्टोर में केक के साथ एक बच्चे को दी थी। हम अक्सर नेकी करके भूल जाते हैं, मगर नेकी हमारा रास्ता कभी नहीं भूलती। वो सिला बनकर एक दिन हमसे दोबारा मिलने ज़रूर आती है। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।